कतरास एरिया 4 के अंगार पथरा कोटा पहाड़ी के कांटा घर के सामने चल रहे कांग्रेस के बैनर तले मनोज भुइयां के नेतृत्व में असंगठित मजदूरों के अनिश्चितकालीन महाधरने के 7वें दिन में कंपनी के AKWMC के परियोजना पदाधिकारी संजय चौधरी और अन्य पदाधिकारी धरना स्थल पर आकर धरना के नेतृत्वकर्ता मनोज भुइयां के साथ वार्ता किए। वार्ता में यह आश्वासन दिया गया कि 14 दिनों में मजदूरों की मांग जांच कर पूरी की जाएगी। धरना की अगुवाई कर रहे मनोज कुमार भुइयां ने कहा, BCCL के मुराइडी कोल्डम में नए सिरे से सरदारी और लेबर कार्ड बनवाया जा रहा है और मजदूरों का खाता खुलवाकर मजदूरों का लोडिंग का पैसा मजदूरों के खाते में डालने पर जिस तरह जिला प्रशासन काम कर रही है, उसी तरह से अंगार पथरा कांटा पहाड़ी में भी प्रशासन नए सिरे से लेबर कार्ड मजदूरों को उपलब्ध कराने का काम करे। मौके पर उपस्थित रंजीत पांडे, कारू भुइयां, सुदेश दास, जोगेंद्र नगर रजक किरण मातो, शिवेश सिन्हा, मनोज बावरी, देव भुइयां आदि मौजूद रहे। आज आपके धारणा के 7वें दिन है और वार्ता की बात हुई थी, क्या हुई? आज हमारे धारणा का 7वां दिन है और प्रबंधक के लोगों से वार्ता हुए सकारात्मक रूप से। वो लोग 14 दिन का टाइम लिए है, जो भी हमारा डिमांड है उसको जांच कर पूरा हल करने के लिए आश्वासन दिया, उस पर पहल करके हमारे लोगों को पुनः बहाल किया जाएगा। पहचान पत्र जैसे हमने बात रखा है, जो मुराइडी शताब्दी में जिस तरह से लोगों का जॉब कार्ड आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा, खाता को मतलब लिंक किया गया है, उसी तरह से पुनः मतलब एक ही विधानसभा क्षेत्र और एक ही एरिया में एरिया 1 एक ही छाई में है, तो जिस तरह से मुराइडी में मजदूरों को बहाल किया गया है, नए सिरे से सरदारी चढ़ाया गया है, नए लोगों को रोजगार दिया गया है, उसी तरह से कांटा पहाड़ी में भी नए तरह से सरदारी को फिर से मतलब बहाल किया जाए, पहचान पत्र दिया जाए और खाता अकाउंट पेमेंट लोगों को किया जाए। इसी बातों के साथ सकारात्मक रूप से बात हुई है और हमारा जो कल मैंने प्रदर्शन था चक्का जाम का, उसको रद्द किया जा रहा है और धरना को आज यहीं स्थगित किया जा रहा है और आगे का प्रशासन प्रबंधक के द्वारा जो भी सकारात्मक आगे के विषय में फिर रणनीति तैयार किया जाए।